नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी के पीईटी के इस विशेष कक्षा कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि हम लोग संविधान एवं राज्य व्यवस्था को जो है समझ रहे हैं और इसके अंतर्गत एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर हम लोग आप लोगों के लिए उपलब्ध भी कराया हुआ है। तो संविधान की विशेषताओं को प्रारंभ करने से पूर्व एक संक्षिप्त वीडियो के रूप में हम लोग यहाँ उसके स्रोत भाग और अनुसूची को देखना भी महत्वपूर्ण समझते हैं, क्योंकि ये संविधान के सभी पक्षों को जो है समझाने में आपको मदद करेगा। क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कुछ भाग हैं जिनको लेकर के अक्सर सवाल परीक्षा में बनते हैं, तो थोड़ा सा हम इस पे भी जो है चर्चा कर लेते हैं। पहला टॉपिक स्रोत है, तो इसके अगले जो है लेक्चर में इससे संबंधित एक टॉपिक भी है, संविधान की विशेषताएं जब हम लोग पढ़ेंगे तो स्रोत पर वहाँ बहुत ही टेक्निकली बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आप लोग देखेंगे कि इस पर हम लोग ने चर्चा जो है हम करेंगे। लेकिन इसके बाद यहाँ पे दो टॉपिक भाग और अनुसूची है जिसे हम यहाँ पर कवर करने का जो है प्रयास करते हैं। तो अनुसूची, जैसा कि आपको जानकारी है कि प्रारंभ में जो है 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में इसमें 4 और अनुसूची जोड़ी गई। पहली अनुसूची 1 से लेकर के 8 तक पूर्व में थी, 9वीं अनुसूची जो है वो पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 1951 में जोड़ी गई, और 10वीं जो अनुसूची है वो 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 में जो है जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 ईस्वी में जोड़ी गई। यहां पर एक और अंतर को समझ लेना आवश्यक है कि यह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, इसी तरीके से 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, लेकिन इसको प्रस्तुत कर रहे दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इत्यादि के बीच में समय जो खर्च हुआ वो आते आते इसका क्रियान्वयन जो है वो 1993 में आ जाता है। तो ये आपको समझ लेना आवश्यक है कि 9वीं अनुसूची पहला, 10वीं, 52वां, 11वीं, 73वां और 12वीं, 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है जिसे 1993 ईस्वी में लागू किया गया। 73वें के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया और 24 अप्रैल को, आपको जानकारी भी होगा कि 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये चीजें आपको तो क्लियर हो गई कि किस तरीके से यहाँ पे इसका जो है विकास हुआ है और अनुसूचियां समय समय पर इसमें जोड़ी जाती रही है। पहली अनुसूची के अंतर्गत जो है संघ एवं राज्य के बारे में जो इसमें वर्णन किया गया है, संघ एवं राज्यों के बारे में इसमें जो है वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में जो है महत्वपूर्ण जो है पदाधिकारियों के जो है वेतन भत्ते इत्यादि का वर्णन किया गया है, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के जो वेतन भत्ते एवं पेंशन इत्यादि का इसमें वर्णन किया गया है। तीसरे में जो है अनुसूची में शपथ के बारे में जो प्रावधान किया गया है, और चौथे में जो है वो राज्यसभा, महत्वपूर्ण अनुसूची है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है। ये भी क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। अगला 5वां है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन एवं नियंत्रण, यानी कि SC & ST में जो है प्रशासन एवं नियंत्रण है। 6ठे में जो है असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा, इसको हमने एक सूत्र के रूप में बनाया हुआ था, अमेमिति एक शब्द आप याद कर लीजिए, आपको और ज्यादा दिमाग पर जो है जोर डालने की जरूरत नहीं होगी। आ से असम है, मी से मेघालय है, मी से मिजोरम है और ती से त्रिपुरा है, यानी कि अमेमिति असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा में जो है प्रशासन एवं नियंत्रण। ये भी एक अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों की ही व्यवस्था के रूप में विशिष्ट प्रकार के प्रशासन की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम करता है। तो ये 5वां और 6ठवां इसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति के सभी की बात की गई है, यहाँ केवल 6ठे में जो है वो बात किया गया है 4 राज्यों की। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होगा, कई बार इसमें 5 और 4 में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं इसलिए याद है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन करता है। तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जो 4 राज्यों की बात है वो सम संख्या है
और इसी तरीके से जिस भी अनुसूची में वो भी सम संख्या है, तो जाहिर सी बात है कि ये पांच और छह में ही कंफ्यूजन है, तो छह ही आपका जो है सम संख्या के रूप में आएगा और चार यहाँ पे है तो वो क्लियर ही है, तो चार और छह दोनों ही जो है सम संख्याएं हो जाएंगी। इसलिए याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज और ट्रिक आसान है। ये चीजें इसलिए भी बताई जा रही है कि आप भी अपने पढ़ाई के दौरान अन्य सभी विषयों में जहां भी आपको जरूरत हो इस तरीके के नियम को विकसित करने का प्रयास कीजिए, अपने दिमाग को खर्च करने का प्रयास कीजिए, चीजों को आसान तरीके से याद करने का प्रयास कीजिए और परीक्षा के पूर्व में अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि छठे में जो है अमिमिति शब्द का जो है उल्लेख किया गया है। सप्तमा आपका है सूचियों के माध्यम से शक्तियों का वर्गीकरण, सूचियों के माध्यम से शक्तियों का वर्गीकरण, सूचियों के माध्यम से शक्तियों का वर्गीकरण। शक्तियों का वर्गीकरण कहाँ पे किया गया? संघीय और राज्यों के बीच में तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। संघ सूची में जो है केंद्र सरकार के जो है, राज्य सूची में जो है राज्यों या प्रांतों की जो है सरकारें, और समवर्ती सूची जिसमें दोनों काम कर सकते हैं, दोनों ही प्रकार की सरकारें समवर्ती सूची पर काम कर सकती है। लेकिन यदि संसदीय और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून में किसी भी प्रकार का टकराव आता है तो राज्य के द्वारा बनाया गया कानून उस सीमा तक शून्य घोषित होगा जहां तक वो संसद के द्वारा बनाए गए कानून से टकराव की स्थिति में आता है। कहने का सीधा सा मतलब यही है कि दोनों कानून बना सकते हैं लेकिन मतभेद होगा तो वहां केंद्र सरकार की बातें मानी जाएंगी या संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही माना जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो सूचियों के माध्यम से शक्तियों का वर्णन। आठवें में है जो है भाषा का वर्णन किया गया है, आठवें में जो है भाषा का वर्णन किया गया है। और वर्तमान समय में जो है यहां पे जो है 22 भाषाएं हैं, वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं और मूल में जो है कितने थे? 14। अब यहां पे भी ये ट्रेंड बनता है, 14 भी सम संख्या, 22 भी सम संख्या और 8 भी सम संख्या। तो इसको भी याद करने में थोड़ा सा जो है शायद आपको आसानी होगी। और अगर सूचियों की बात करें तो कितनी सूचियां हैं? 3, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये भी विषम और 7 भी विषम। तो इसको भी याद करने में थोड़ा सा आसानी, केवल यहाँ पे आपको जो है अपना दिमाग खर्च करने की थोड़ी सी जरूरत और जहमत उठाने की जरूरत है। चीजें खुद ब खुद आपको याद होंगी। इससे संबंधित सवाल न केवल पूछे जाते हैं बल्कि मिलान भी करने के लिए प्रश्न आते हैं। तो आप इन सभी ट्रिक्स को और थोड़ा सा रुक करके देखने का प्रयास करेंगे तो बेहद आसान होगा आप लोगों के लिए। नवीं अनुसूची, और नवीं अनुसूची आपको पता है कि पहले बताया गया कि बाद में जोड़ी गई। इसमें जो है राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित विधियों की जो है इसमें व्यवस्था किया गया है, यौम इसे जो है न्यायालय में चुनौती देने से रोकी गई है। कहने का मतलब ये कि सरकार किसी भूमि का अधिग्रहण करती है तो उसके द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा वो इसमें रखा जाएगा और ये न्यायालय में जो चुनौती देने से मना किया गया। लेकिन 2007 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में इस बात को स्पष्ट किया है कि अब जो है इस सूची में सम्मिलित कानूनों पर भी न्यायालय में जाया जा सकता है और जनहित में सवाल वहां पे खड़ा किया जा सकता है। तो नवीं अनुसूची जो है वो इसी प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार के विशिष्ट विधियों से जो संबंधित है। हम लोग देखते हैं 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। ये तो सवाल आप जो है परीक्षा पकड़ लीजिए, हर परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। ये सवाल एक मान के चलिए कि आउट किस्म का सवाल है, इसलिए इसे आपको याद कर लेना आवश्यक ही है। दा से दल बदल है। ये भी याद करने में, यहाँ हर प्रकार के जो है सूचियों में आपको ट्रिक मिल रहा है, इसको याद करने में बेहद आसानी है और आपका यहाँ से आने वाला सवाल एकदम जो है सुनिश्चित और पक्का मान के चलिए। तो ये दसवां जो अनुसूची है वो दल बदल है और 10वीं अनुसूची की व्यवस्था जो है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। यद्यपि इसके संदर्भ में और भी डिटेल में चर्चाएं की गई हैं, अगर आपको इस अनुसूची के बारे में जो है और भी अध्ययन करना होगा तो आप जो है इसी चैनल के मास्टर प्लेलिस्ट में जा करके वहां संविधान एवं राज्य व्यवस्था के विस्तृत विवरण में 62 लेक्चर अपलोड किए गए हैं अभी तक और बाकी उसमें समय अनुसार और भी लेक्चर अपलोड किए जाते हैं। बहुत ही डिटेल में चर्चा किया गया दल बदल के बारे में, कई प्रकार के नियम बनाए गए। जैसे यहां पर अभी आप देखेंगे कि व्यक्ति के जो है किसी दल को छोड़कर दूसरे में शामिल होने पर डिस्क्वालिफिकेशन, उसके बाद 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में भी परिवर्तन किया गया कि अगर दल व्यक्ति नहीं बल्कि उसका एक भाग भी जाता है, 1/3 या इस तरीके के कोई भाग भी टूट करके दूसरे में जाता तो भी वो जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और उसे सदन के सदस्यता से, मंत्री पद से, लाभ के पद से वंचित कर दिया जाएगा।
लेकिन अभी भी जो है पूर्ण रूप से दल अगर शामिल हो जाता तो उस पर जो है डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, ये भी इसकी जो आलोचना की जाती है। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची ये आपके जो है पंचायतों से संबंधित है, और ये 12वीं अनुसूची जो है ये नगर पालिका से जो संबंधित है। इसमें 16 अनुच्छेद और 29 विषय हैं, इसमें जो है 18 जो है अनुच्छेद और 18 विषय हैं। अगर हम 18 को एक लाइन बना दें, एक सीमा रेखा बना दें, तो इस पंचायतों में जो है अनुसूची उससे कम है और विषय उससे ज्यादा है, लेकिन नगर पालिका में अनुच्छेद और विषय दोनों बराबर हैं। तो ये बातें आपको जो समझ में आई होंगी, यहां से सवाल आता ही आता है, इसलिए हम संक्षिप्त रूप में इसका चर्चा कर दिए हैं। बाकी वेतन भत्तों में अगर देखेंगे तो यहाँ पे राष्ट्रपति हैं, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति उपसभापति हैं, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति उपसभापति हैं, इसी तरीके से उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं राज्यपाल के वेतन भत्तों से संबंधित है। यहाँ पर अगर इसको ट्रिक थोड़ा सा बनाने का प्रयास किया जाए तो 1+8+4 ये का कॉन्सेप्ट बनता है, और यहाँ शपथ में केवल हम 5 की बात कर रहे हैं अभी, जो कि याद करने की पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे उपराष्ट्रपति को नहीं शामिल किया गया वेतन में, क्योंकि आपको जानकारी होना चाहिए कि वेतन जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त करता है, इसलिए यहाँ पे 1 रखा गया राष्ट्रपति, और बाकी जो है केंद्र में और राज्य में 2 सदन, वहां 2 सदन, यहाँ 4 हो गए, चारों में 2-2 लोग हो गए, तो 8 यहाँ पे ये निकल के आया। और 4 में यहाँ पे देख लेते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज 2 ही हो गए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्यों राज्यपाल हो गए, तो 4 ही हो गए। 1+8+4 का कांसेप्ट यहां से निकल के सामने आता है। अब इसमें 5 में है, जो कि शपथ जो है वो उपराष्ट्रपति के रूप में लेते हैं, इसलिए यहां पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री, अब प्रधानमंत्री होगा तो भी वो जो है मंत्री के रूप में शपथ ले लेते हैं, और 2 और हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, तो ये 5 निकल करके यहाँ से सामने आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अनुसूचियों से संबंधित एक टेक्निकल, साइंटिफिक और ट्रिकी जो है विश्लेषण आप लोगों को जो समझ में आया होगा। यहाँ से सवाल आता ही आता है पूरे संविधान को समझने के लिए, इस निचोड़ को समझना आवश्यक था, इसलिए आज के लेक्चर में इसे हम लोगों ने शामिल किया हुआ था। इसी के बाद हम थोड़ा सा भाग को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। संविधान में भाग है और उस भाग पर भी क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। कुछ तो भाग ऐसे हैं जो परीक्षा में अपना नाम ही लिखवा लिया है कि हमें इसे आना ही आना है। तो कुल मिलाकर के भाग 1 को अगर हम देखने का प्रयास करें यहाँ से, तो भाग 1 में जो है संघ एवं राज्य, जैसे वहां पे अनुसूचियों के बारे में था उसी तरीके से संघ एवं राज्य है, और दूसरे में जो है नागरिकता के संबंध में प्रावधान है, नागरिकता के बारे में प्रावधान जो किया गया है, और तीसरे में जो है यहाँ अगर अनुच्छेद को भी ध्यान में रखा जाए तो 1 से 4 है, और यहाँ पे 5 से लेकर के 11 के बीच में है। तीसरे में जो है मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के बारे में जो है चर्चा किया गया है, ये 12 से लेकर के जो है 35 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। और 4 भाग 4 के अंतर्गत अगर देखें तो नीति निदेशक तत्व है, अब ये जो है 36 से लेकर के 51 के बीच में है। अब यहाँ पे 4 का आ जाता है फंडामेंटल ड्यूटी आपके जो भाग 4 में जो 51 का के अंतर्गत आता है। 4 प्रकार के ऐसे जो भाग इसमें सम्मिलित किए गए हैं जो कि पार्ट और ABCD के रूप में है। यहाँ पे 4 का है, 9 का है, 9 का है और 14 का है, तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 5 में जो है संघीय व्यवस्था है जो कि 52 से लेकर के 151 तक चलता है। अब इसमें भी जो है 5 अध्याय हैं, इसमें जो है अगर देखा जाए तो 5 अध्याय है। पहले में जो है वो कार्यपालिका है, 52 से लेकर के 78 में, 79 से लेकर के 122 में जो है वो संसदीय व्यवस्था है, और 123 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, और 124 से लेकर के 148 में यानी कि भाग 4 में सर्वोच्च न्यायालय है, और 5 में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151 में है। तो ये जो है इसमें 5 अध्याय शामिल है। अब ये भी आपका एक ट्रिक ही बनता है कि 5 अध्याय और पांचवें भाग में 5 अध्याय, और 6ठे में जो है, यहाँ में भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको बनेगा कि 6ठे में जो है 6 अध्याय,
ये याद करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पांचवें भाग में पांच अध्याय, छठवें भाग में छह अध्याय। अब यहां पे देखा जाएगा कि किस तरीके से ये जो है बनते हैं, राज्य की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था इसी से आगे चलता है 152 से लेकर के जो है ये आगे जो है चलता है 152 से लेकर के जो है आगे जो है ये चलता है 235 तक। अब यहां पे हम देखेंगे कि जो है अध्याय पहले में सामान्य की चर्चा की गई, 152 के अंदर से सामान्य की चर्चा की गई है भाग एक में, उसमें कुछ जो परिभाषा इत्यादि आपको दिया गया है। दूसरे में जो है वही सेम व्यवस्था, जैसे वहां पे जो है कार्यपालिका था तो यहाँ पे राज्य की कार्यपालिका हो गया, पुनः जो है विधानमंडल तीसरे में हो गया, चूंकि पहले में सामान्य हो गया इसलिए यहाँ पर एक एक जैसे बढ़ेंगे एक एक बढ़ता जाएगा, जो वहां पे पहले में है वो यहाँ पे दूसरे में, जो दूसरे में वो तीसरे में, जो तीसरे में वो चौथे में है, अब पांचवें में आकर के यहाँ पे उच्च न्यायालय है, और छठवें में वहां पे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। चूंकि आपको जानकारी होना चाहिए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि राज्य में नहीं है, वही राज्य के लिए रूप में काम करता है, लेकिन राज्यों में अधीनस्थ न्यायालय की व्यवस्था नीचे है, तो उसे हम जो है अगले भाग के रूप में शामिल कर लिए हैं। तो यहाँ पे छठे में जो छह भाग बन जाता है, सामान्य एक और जो गया है, तो पांचवें में पांच भाग, छठवें में छह अध्याय, मतलब पांचवें भाग में पांच अध्याय और छठे जो है भाग में छह अध्याय आता है। सातवां जो है आपका ये जो डिलीटेड है, जिसे शब्द एक प्रयोग में आता है निरसन या निरसित कर दिया गया है। आठवां आपका है, आठवें में जो है संघ एवं राज्य के बारे में लिखा है, संघ एवं राज्य के बारे में लिखा है, अनुच्छेद जो है 239 से लेकर के जो है 200 राज्य के बारे में वर्णन लिखा है 239 से लेकर के 242 से लेकर के 242। नौ में जो आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है भाग है, जो अक्सर परीक्षा में बीएमपी पीसीएस में भी पूछा जाता है, वन डे एग्जाम में पूछा जाता है, और आपके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये है पंचायत, पंचायत की जो है व्यवस्था, पंचायत की व्यवस्था है, और ये जो है 243 से लेकर के 243 ओ तक, ओ का मतलब ये गोला है, और गोले का मतलब ये इसने ढेर सारे जो है अनुच्छेदों को अपने में जोड़ करके रखा है। तो थोड़ा सा याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि गोला है तो गोला बीस में अनुच्छेद आप देखेंगे 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो वही 16 अनुच्छेद जो हमने बताया था 16 ही यहाँ पे मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे जो है चूंकि ये 243 भी है इसलिए ये अलग है, और 243 ए दूसरा है, तो यहाँ पे ए से ओ तक जो है आपका हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 43 भी जुड़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 16 अनुच्छेद। ओ चूंकि 15 अक्षर है, जब हम रीजनिंग पढ़ते हैं तो वहां पे जो है ओ कौन सा आता है 15वें स्थान पे, तो 15 तो ये हो गए, बाकी एक 243 हो गया, तो यहाँ पे 16 अनुच्छेद हो गए टोटल। तो 243 लेकर के 243 ओ के बीच में हम पंचायतों की बात करते हैं, और अगला है जो है 9 का, अब ये है नगर पालिका के बारे में, नगर पालिका के बारे में जो है ओ है, 9 का है। अब ये इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे हम, इसको इसी से आगे इसको हम कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे कि 243 ओ से लेकर के 243 जो है जेड जी, माने जेड तक जब हम पहुंच जाएंगे तो पूरा जेड ए जेड बी जेड सी इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो यहां पे जो है 18 अनुच्छेद आते हैं, और इसमें जो है 18 ही विषय भी रखे गए हैं, ये नगर पालिका के संदर्भ में आपका हो जाता है। एक और जो कि अभी हाल में विकसित है, अभी 9 खा, अब ये किससे संबंधित है आप लोग बताइए, ये बाद में जोड़ा गया है और ये महत्वपूर्ण भी है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में सहकारिता को जोड़ा गया है, जो कि 9 खा के अंतर्गत वर्णन है, सहकारिता के बारे में इसमें जो है वर्णन किया गया है, और 10 में जो है इसके बाद जो है अनुसूचित जाति और जनजाति एसटी के बारे में जोड़ा गया है 244। लेकर के 244 बी तक,
तो ये है एससी और एसटी के बारे में जो व्यवस्थाएं की गई हैं। अगला है जो 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, संघ राज्य संबंध, विधायी संबंध विशेष रूप से अनुच्छेद 245 से लेकर के अनुच्छेद 263 के बीच में, 245 से लेकर के 263 के बीच में जो संघ राज्य के बीच में जो संबंध के बारे में जो है चर्चा किया गया है। 245 से लेकर के 263 के बीच में संघ राज्य के बीच 12 में जो है वित्त संपत्ति के बारे में बताया गया है। वित्त संपत्ति संपदा योम वाद, वित्त संपत्ति संपदा योम वाद, वित्त संपत्ति संपदा योम जो वाद में है 264 से लेकर के 300 का तक, 264 से लेकर के 300 का, पहले यही जो है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, बाद में ला करके यहाँ पे विधिक अधिकार कर दिया गया। 13 के अंतर्गत जो है राज्य के अंदर व्यापार वाणिज्य और समागम, राज्य में व्यापार वाणिज्य एवं समागम की व्यवस्था की गई है, ये जो है 301 से लेकर के 308। एक्चुअली ये अनुच्छेद इसलिए बताया जा रहा है कि कई बार ऐसे होता है कि कोई सवाल जैसे वित्त संपत्ति के बारे में पूछ लिया, अब एक अनुच्छेद दे दिया जो है 5, एक जो है 268, एक दे दिया 300, एक दे दिया 356, तो आप कम से कम अगर इस ग्रुपिंग को ध्यान में रखेंगे तो कम से कम आप उत्तर के नजदीक पहुंचने में आपको मदद मिलेगी और इससे पूरे भी जो संविधान को समझने में एक आपको दृष्टिकोण मिलेगा। तो यहां पर वित्त संपत्ति संपदा योम वाद आता है जो कि 264 से 300 का के बीच में। अगला है 14, भाग 14 के अंतर्गत ये व्यवस्था किया गया है। भाग 14 में जो है संघ एवं राज्यों के बीच में जो है संघ राज्य में अखिल भारतीय सेवाएं, संघ राज्यों के लिए जो है लोक सेवा आयोग की व्यवस्था किया गया है। अनुच्छेद जो है ये 307 है, सॉरी 307, यहाँ पे 308 है, 308 से लेकर के जो है 323 के बीच, 308 से 323 के बीच में इसमें जो है संघ राज्यों के बीच जो है सेवाओं की चर्चा की गई। इसी में जो है अखिल भारतीय सेवाएं भी आती हैं और संघ राज्यों के लिए जो है लोक सेवा आयोग का भी जो प्रावधान किया जाता है। 15 में अनुच्छेद 15 के अंतर्गत निर्वाचन की व्यवस्था है, अनुच्छेद 324 से लेकर के जो है 329 के बीच में जो है निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्थाएं की गई हैं और निर्वाचन आयोग की व्यवस्था इसमें किया गया है। भाग 15 के अंतर्गत 16 के लिए जो विशेष वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है, 16 में विशेष वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 330 से लेकर के जो है 42 के बीच में। 17 में राजभाषा का प्रावधान किया गया है, 18 में जो है आपातकालीन प्रावधान, यहां से भी सवाल अक्सर पूछे गए हैं, 18 में आपातकाल आ से 18 आ से आपातकालीन व्यवस्था की गई है, आपातकालीन व्यवस्था 352 से लेकर 360 में किया गया है। और 19 में जो है राष्ट्रपति राज्यपाल और संसद के लिए जो है संरक्षण की व्यवस्था जो है किया गया है जो कि अनुच्छेद 361 से लेकर के 67 में है। अनुच्छेद भाग 20 के अंतर्गत जो है ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, भाग 20 में जो है संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन है, दक्षिणी अफ्रीका की तर्ज पर जो लिया गया है, अनुच्छेद जो है इसमें देखा जाए तो 368 है, केवल एक ही अनुच्छेद है, केवल एक ही अनुच्छेद है। और 21 में जो है, 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमण कालीन जो है प्रावधान किए गए हैं, अस्थायी संक्रमण कालीन जो है इसमें प्रावधान जो किए गए हैं। और 22 में जो है, 22 में अगर देखा जाए तो विविध प्रकार के जो है प्रारंभ हैं, संक्षिप्त नाम हैं, ये सारी चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है। तो 21 हो गया और 22 हो गया, इस तरीके से आपके जो है यहाँ पर पूरे भाग से संबंधित महत्वपूर्ण जो विषय हैं उनका हम लोगों ने इसमें वर्णन देखा कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें जो है वर्णित की गई हैं और किस तरीके से ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है। आपने देखा जैसे इसमें 9 है बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से सवाल अक्सर परीक्षा में जो है पूछे जाते रहे हैं, तो 9 को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसी तरीके से 15 भी महत्वपूर्ण है, 18 भी महत्वपूर्ण है, 20 भी महत्वपूर्ण है। यद्यपि आपको पढ़ना सभी को है लेकिन ये सभी जो है भाग ज्यादा महत्वपूर्ण है। 4 ऐसे भाग है जिसे ध्यान में रखिए, 4 का, 9 का, 9 खा
और एक जो अनुच्छेद है 14 खा भी यहां पे आएगा, 14 जो है खा हम देख लेते हैं यहां पे 14 खा, ये अधिकरण से संबंधित है, अधिकरण से संबंधित है। अब अगर भाग आज की डेट में देखा जाए तो जब से 9 खा शामिल हो गया तो अब भाग जो 25 में जाए 26 हो जाते हैं, अगर सभी को जो है इसमें जोड़ करके जो देखने का प्रयास किया जाए। खैर यहाँ पे हम इस चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस भाग में किस चीज का उल्लेख और वर्णन किया गया है। तो चार ऐसे हैं भाग जिसमें उपभाग भी हैं, वो है 4 का मौलिक कर्तव्य, 9 का 9 खा और इसी तरीके से 14 खा, जो कि 324 का के अंतर्गत जो है वर्णन है, 324 का से खा में, 324 का यौन, 324 खा, ये चीजें हो गई। तो अब आपका जो है अनुसूची और भाग से संबंधित जो भी हमारा विश्लेषण था वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगला लेक्चर हमारा भारतीय संविधान की विशेषताएं ही होगा, जो कि आपके संविधान का टॉपिक भी है। ये पूर्व में जो लेक्चर लिया गया था और ये लेक्चर दोनों ही पूरे संविधान को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल आपकी अर्हता परीक्षा बल्कि आने वाली अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसको 1 से 2 बार आप जरूर इस वीडियो को जो समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसमें काफी कुछ तथ्य दिया गया है, परीक्षाओं को ध्यान में रखकर के विश्लेषण किया गया है, जो कि आपकी तैयारी के स्तर को ऊंचा करेगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में पुनः अगले टॉपिक को लेकर के हम जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।